आईपीएल ऑक्शन और टीम एनालिसिस की इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी एसआरएच की, आज हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स 2023 के आईपीएल में पीछे से दूसरे नंबर पे रही थी, मतलब नौवे नंबर। आप लोगों में से जिसने भी आईपीएल 2023 देखा हो तो आप लोगों को बहुत ही कम ताज्जुब होगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम बात करते हैं कि इन लोगों का ऑक्शन और इन लोगों का टीम सिलेक्शन क्या रहा। तो टीम सिलेक्शन तो इनकी भी स्क्वाड स्ट्रेंथ जो है वो 25 प्लेयर्स की है, जिसमें कि ओवरसीज 8 है। फिर उसके बाद जो प्लेयर्स इन्होंने खरीदे वो प्लेयर्स अगर हम देखें तो कुमार कुशाग्रा, जाय रिचर्डसन, हैरी ब्रूक, सुमित कुमार, शाय होप, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी भुई, रसिक सलाम, स्वस्तिक चिका। अब इसमें से कुछ तो बिल्कुल ही बेस प्राइस पे लिए गए, जिसमें कि रिकी भुई, रसिक सलाम और स्वस्तिक चिकारा है। ओवरसीज प्लेयर्स में जाय रिचर्डसन, हैरी ब्रूक और शाय होप। शाय होप तो इनको काफी अच्छा मिल गया, क्योंकि शाय होप का देखिए रिसेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हैरी ब्रूक का तो हम सबको पता है कि एसआरएच ने मतलब उसको किसी तरह से धक्का मार के निकाला अपनी टीम से। पिछले साल जो एसआरएच की टीम में था हैरी ब्रूक, उसने एक सेंचुरी के अलावा बाकी तो उसके बल्ले पे बॉल ही नहीं आ रही थी। मतलब ये जो एसआरएच का जो मैनेजमेंट है वो जिस कदर उन लोगों के उल्टे सीधे डिसीजंस रहते हैं, मुझे तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इसको बीच में से ही भगा दें आईपीएल के। इनका कोई भरोसा नहीं है। वो लड़की का कब मूड खराब हो जाए और क्या करे। अब ये जो सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले बिजनेसमैन रहते हैं ना, बिजनेस ओनर्स, बिजनेसमैन तो क्या है, ये बिजनेस ओनर्स हैं, क्योंकि इनको तो अब विरासत में मिल गया है बिजनेस, तो इनको तो इनके लिए ये सब खेल है। अभी आकाश अंबानी है, ये एसआरएच वाली लड़की है, इसका क्या नाम है, काव्या मारन, तो इन लोगों के लिए तो मजे हैं, इनको क्या करना है, इनके लिए तो ये बिल्कुल खेल है बच्चों का। तो खैर जो भी है, तो ये इसमें जो इन लोगों ने ट्रिस्टन स्टब्स और कुमार कुशाग्रा को लिया है, तो ट्रिस्टन स्टब्स देखिए ओवरसीज प्लेयर में विकेट कीपर लेना जब तक कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर ना हो वो बात मुझे समझ में नहीं आती। अब इसके ऊपर पैसे खर्च करना मतलब मेरे हिसाब से तो वेस्टेज है, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स ने ऐसा कुछ बहुत अभी तक किया नहीं है। ठीक है, वो एक आध दो मैचेस में कभी उसके टुल्ले चल गए होंगे तो वो बात अलग है, अदरवाइज वो कोई हेनरी क्लासन जैसा तो बैट्समैन नहीं है, और विकेट कीपिंग में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई हमने अभी तक देखा भी नहीं है पूरे आईपीएल में, सिवाय धोनी के मुझे तो कोई नजर नहीं आता, या कुछ थोड़ी हद तक वृद्धिमान साहा है। फिर आप अगर ये देखें, लेकिन कुमार कुशाग्रा जो है ये झारखंड का जो प्लेयर है, ये इसके बारे में काफी कुछ सुना है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। अब देखिए मुश्ताक अली और विजय हजारे में डोमेस्टिकली परफॉर्म करना बात अलग होती है, और बहुत ही कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे या आईपीएल लेवल पे आके रेप्लिकेट कर पाए हैं अपनी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को, तो अभी वो देखना पड़ेगा। जैसे वो सीएसके ने भी वो रिजवी को लिया है, उसकी भी बड़ी तारीफ सुनी है, वो हम बात करेंगे जब हम सीएसके की एनालिसिस करेंगे। कुमार कुशाग्रा इनका मुझे लगता है कि बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं कि वो अच्छा बाय है, पैसे अच्छे खासे, क्या 7 करोड़ 20 लाख रुपए उसको मिले तो बहुत अच्छी बात है, कह रहे हैं लोग कि ये इनके लिए बहुत अच्छी बायज हैं। बाकी इनके लिए एक भी खबर है कि ऋषभ पंत शायद आईपीएल 2024 पूरा खेलने के लिए तैयार है। अब उसमें भी हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, तो विकेट कीपिंग कर पाए या नहीं कर पाए ये तो बात की बात है, लेकिन ऋषभ पंत से मुझे ये शिकायत है कि ऋषभ पंत ने अभी तक आईपीएल में कौन से झंडे गाड़े हैं, या फॉर दैट मैटर T20 में ही कौन से झंडे गाड़ दिए हैं उसने। T20 में तो वो इंडियन टीम में मतलब कहने को वो बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन T20 में अपनी परफॉर्मेंस को वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया है जो वो टेस्ट मैचेस में करता है या वनडे मैचेस में करता है। मतलब इसमें इतना ज्यादा खुश होने की क्या बात है। ये अभी आईपीएल में भी ऋषभ पंत जब कप्तान था तो मेरे ख्याल से एक बार ही दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 2-3 साल पहले की बात है जब ये प्लेऑफ्स में पहुंचे, अदरवाइज तो ये इनका कुछ हुआ नहीं है। तो ऋषभ पंत ने शुरुआत में जो प्रॉमिस दिखाया था वो कुछ एक दो मैचेस में उसने कुछ अच्छे रन बनाए थे, उसके बाद से T20 में उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं तो कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। और दिल्ली वाले वो मार्की प्लेयर के नाम से या ऋषभ पंत के नाम से वो अगर खुश हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ऋषभ पंत ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो और फिर ऊपर से अगर वो सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलता है तो बैटिंग उसकी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है T20 में, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी खुशी की बात है।
वो ठीक है, मतलब सेंटिमेंटली खुश होने की बात अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत ने कुछ ज्यादा अपना रंग दिखाया नहीं। तो जैसा मुझे तो ऐसा लगता है ऋषभ पंत के लिए कि ऋषभ पंत को जब वो टेस्ट मैचेस में जाता है तो वो T20 की तरह खेलता है, और T20 में जब आता है तो वो टेस्ट मैच की तरह खेलता है। तो मतलब उसकी T20 और टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस में कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन T20 में वो रन क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे ओवर्स कम पड़ जाते हैं, उसको तो ओवर्स मिलते ही नहीं है। टेस्ट मैचेस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहां वो उसके लब पे चलते रहते हैं। खैर, उसके बाद इन लोगों ने जो किया है, ये दिल्ली कैपिटल्स ने ऑक्शन का अच्छा खासा कबाड़ा किया है। अच्छा खासा कबाड़ा इसलिए किया है कि देखिए, कहने को तो हैरी ब्रूक आपने ले लिया। हैरी ब्रूक कभी कभी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर देता है, हालांकि वो इंडिया के बाहर ही करता है। पिछले आईपीएल में सिर्फ एक बार उसने बैटिंग की। अब उसके अलावा आपका मिडिल ऑर्डर कोई है ही नहीं। पृथ्वी शॉ का आपका रिप्लेसमेंट भी नहीं है ऊपर से, मतलब मिडिल ऑर्डर की तो हम क्या बात करें, इनके पास तो पृथ्वी शॉ का ही रिप्लेसमेंट नहीं है। वो पृथ्वी शॉ के बारे में हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। खैर, तो अगर हम इनकी स्क्वाड को एनालाइज करें तो ओपनर्स हो गए देखिए, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और शाय हो। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर में है ऋषभ पंत, हैरी ब्रूक, ट्रिस्टन स्टब्स, रिकी बुई, कुमार कुशाग्रा, यश धूल और अभिषेक पोरेल। इसमें से ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल और ऋषभ पंत ये सारे के सारे विकेट कीपर है, तो अब कितने विकेट कीपर खिलाएंगे। और यश धूल जो है, यश धूल ने भी कुछ जस्टिफिकेशन किया नहीं, जो भी टैलेंट उसमें है अभी तक उसने कुछ किया नहीं। अंडर 19 में भले उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन ज्यादा कुछ वो उसको ट्रांसलेट कर नहीं पाया है। ऑलराउंडर्स में इनके पास है अक्षर पटेल, ललित यादव, मिचेल मार्श, सुमित कुमार। अब अक्षर पटेल, मिचेल मार्श, इनके बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं, और मुझे तो ललित यादव भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब खासतौर पे जहां पे स्पिनिंग विकेट्स होते हैं वहां तो फिर ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत चढ़ के आती है। ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है और अच्छी खासी ऑफ स्पिन भी डाल लेता है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग नहीं भी हो तो T20 के हिसाब से ये ठीक ठाक कर लेता है। मुझे ये प्लेयर काफी पसंद है, ये काफी अंडररेटेड मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इसको खिलाना चाहिए, ये इसको डेवलप कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इनके फास्ट बॉलर्स के ऊपर। तो फास्ट बॉलर्स में इनके पास है लुंगी एनगीडी, खलील अहमद, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, ऑनरिक नोकिया, रसिक सलाम, जय रिचर्डसन। अब इसमें ये इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि ये किसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। फिर उसके बाद ऑनरिक नोकिया की पिछले साल तो फिटनेस की बड़ी प्रॉब्लम थी, और इस साल भी वो काफी दिनों से नहीं खेल रहा है, इवन वर्ल्ड कप भी उसने मिस किया था, पता नहीं उसकी फिटनेस क्या है। रबाडा को इन्होंने ऑलरेडी जाने दिया है। अब इनके पास ये बचते हैं खलील अहमद, तो खलील अहमद का तो मुझे तो बहुत सीरियसली उसका एटीट्यूड का प्रॉब्लम लगता है, और ये भी मुझे ऐसा लगता है कि बस इनको आईपीएल ही खेलना है। और जब प्लेयर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि बस मेरे लिए तो आईपीएल बहुत है, तो फिर वो धीरे धीरे उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अब ईशान शर्मा ने हालांकि अपने आप को पिछली बार जबरदस्त प्रूव किया था, मुझे तो लगता है कि इस बार भी, बल्कि अभी तक ईशान शर्मा ही उनका बेस्ट बॉलर रहा है। पिछली बार तो उसने गजब की बॉलिंग की थी, और वो बात वही है, 100 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद जो एक्सपीरियंस है। अभी मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि अगर जेम्स एंडरसन को भी आईपीएल में ले लिया जाए ना, या T20 खिला दिया जाए, तो वो बहुत सारे बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो इन लोगों के पास आर्ट है बॉलिंग का, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। हालांकि जेम्स एंडरसन ने तो शायद व्हाइट बॉल बहुत सालों से नहीं खेला है, लेकिन फिर भी बॉल तो बॉल ही होती है, और वो जितना भी काम करेगी उसमें वो अपना जलवा दिखाई देंगे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के जो स्पिनर्स हैं उसमें कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे और विकी ओसवाल। तो विकी ओसवाल को तो एक भी मैच मिला नहीं है, कुलदीप यादव अपने आप में काफी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों की टीम तो ठीक ठाक ही है, लेकिन परफॉर्मेंस में इनके हमेशा ये रहता है कि ये एंड टाइम पे आके सब गड़बड़ कर देते हैं। अब पिछले बार के आईपीएल में डेविड वार्नर ने वो बेचारा वही अकेला ही लगा रहता था। अब लोग बाग उसमें भी उसको वो ब्लेम करते थे कि वो इतना स्लो खेल रहा है और ये कर रहा है। अरे बाकी सारी टीम कुछ कर ही नहीं रही है भैया, ना पृथ्वी शॉ रन बना रहा, ना मिचेल मार्श रन बना रहा, ना कोई रन बना रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो उसमें क्या डेविड वार्नर भी रहा सहा मार के टुल्ले आउट हो जाए,
तो रही सही टीम वो जो 150 बना रही है वो 125 पे ही ऑल आउट हो जाए या 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाए, ये नौबत भी आ सकती थी इनके पास। अब अगर एक टेंटेटिव प्रोबेबल 11 की अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो मेरे हिसाब से देखिए डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, मिचेल मार्श, फिर ऋषभ पंत और कुमार कुशाग्रा, इसमें से देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऋषभ पंत को लेना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कुमार कुशाग्रा को लेना चाहिए, क्योंकि ऋषभ पंत अभी वैसे भी इंजरी से आ रहा है, मतलब सिर्फ इसलिए कि वो मार्की प्लेयर था दिल्ली कैपिटल्स का, तो कप्तान रहा है और ये है वो है, तो वो सेंटिमेंटल और इमोशनल डिसीजन लेने का मतलब नहीं है। अल्टीमेटली फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको सेंसिबल डिसीजंस लेने चाहिए। जब तक कि वो बहुत अच्छी बैटिंग नेट्स में ना कर पाए तब तक उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, और जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा अभी, तो अगर विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा तो फिर फील्डिंग कहां करेगा, तो फिर वो फील्डिंग में एक लाइबिलिटी हो सकता है। मुझे तो डाउट है, मैं तो कुमार कुशाग्रा को खिलाऊंगा उसकी जगह। फिर उसके बाद हैरी ब्रूक, अक्षर पटेल, सातवें नंबर पे ललित यादव होगा मेरी टीम में, फिर कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार होल्डिंग, मुकेश फिर या तो नोकिया, मेरे हिसाब से तो ये 11 होने चाहिए। हाँ, लेकिन मुकेश कुमार होल्डिंग की जगह मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा को खिलाना चाहिए, और कम से कम शुरू के मैचेस में तो खिलाना ही चाहिए। बल्कि आप ये कर सकते हैं कि अल्टरनेट कर सकते हैं, नोकिया को भी सारे मैचेस खिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी इंजरी प्रोन है, तो लुंगी अंगीडी और नोकिया को आप अल्टरनेट कर सकते हैं। इसी तरह से अपने मुकेश कुमार होल्डिंग और ईशांत शर्मा, इनको भी आप अल्टरनेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये टीम होनी चाहिए। बाकी तो पूरा का पूरा जो आईपीएल का जाने वाला है प्रोग्राम 2024 का, ये बैटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटिंग ये कैसी करते हैं। बैटिंग करेंगे ढंग से, देखिए जब रन बनाते हैं ढंग से तो पूरी टीम को कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब टीम ही 140 और 150 पे ऑल आउट हो जाए तो फिर बॉलर क्या कर लेगा, वो वैसे ही आधे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करता है। मैनेजमेंट ने खूब काजू किशमिश तो खाए वहां आईपीएल ऑक्शन में बैठ के, और किस्मत से इनको हैरी ब्रूक मिल भी गया ठीक ठाक प्राइस में। कुमार कुशाग्रा जरूर इन्होंने बहुत अच्छा लिया है, तो अब देखते हैं कि वो परफॉर्मेंस उनकी डोमेस्टिक की वहां ट्रांसलेट होती है या नहीं, पृथ्वी शॉ कैसा करता है। अब अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की हिस्टोरिकली अगर हम बात करें कि इनकी खराब परफॉर्मेंस क्यों रही है, तो उसके देखिए कुछ बहुत साधारण से इनके वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो एक तो देखिए इनकी जो टीम कॉम्पोजिशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एक तो कंसिस्टेंट क्या कॉन्स्टेंट भी नहीं है। कोई देखिए कोई भी टीम होती है तो वो अपनी एक कोर टीम, जो भी अच्छी टीमें हैं वो अपनी एक कोर टीम बना के रखते हैं, जैसे सीएसके हुआ या मुंबई इंडियंस हुआ, या शुरू के कुछ सालों में एसआरएच करती थी, तो वो ये लोग अपने कुछ मेन प्लेयर्स को ना संभाल के रखते थे कि उनको कहीं नहीं जाने देते थे ये, तो इसी की वजह से इन लोगों की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही। उसके बाद अब ये लोग तो कप्तान ही बदल देते, कप्तान बदल गया, फिर बीच में गौतम गंभीर जब आया इनके पास तो वो गौतम गंभीर बेचारा खुद ही उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो उसने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ भी ये लोग चेंज कर देते हैं, अब जाके वो रिकी पॉन्टिंग और वो सौरभ गांगुली हैं। और दूसरी बात ये कि ये बॉलर्स जैसे रबाडा को इन्होंने जाने दिया, अब रबाडा को इनको पकड़ के रखना चाहिए था किसी भी हालत में, रबाडा जैसे बॉलर को आप कैसे जाने दे सकते हो, तो खासतौर पे जबकि फास्ट बॉलर्स इतने फ्रीक्वेंटली इंजरी हो जाती है उनको, तो उसका तो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है ना, तो आपके रेगुलर बॉलर्स होना जरूरी है। अब आपके पास है वो मुकेश कुमार होल्डिंग, मतलब मैं तो ये वो अपने आप को माइकल होल्डिंग समझता है, और परफॉर्मेंस के नाम पे जीरो, तो अभी हमने देख लिया इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में क्या हालत हुई उसकी, मतलब मार मार के भूसा भर दिया उसको इंग्लैंड वालों ने, जो कि बाकी बुमराह को और बाकी बॉलर्स को खेल नहीं पा रहे थे, ऐसी हालत है इनकी। तो मुकेश कुमार को लेके घूम रहे हैं, अब आईपीएल में तो वैसे भी पिटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और 132 की स्पीड पे बॉलिंग करेगा अपना मुकेश कुमार होल्डिंग, तो फिर क्या होगा इनका। खैर, अब ये एक इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये टीम इनकी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, हर बार चॉपिंग चेंजिंग करते रहते हैं ये, तो हिस्टोरिकली आप देखेंगे जिन टीमों की परफॉर्मेंस खराब रही है उनकी टीम कॉन्स्टेंट नहीं रही है, जैसे पंजाब को देख लो आप, मतलब मुझे तो बड़ा डाउट है इसमें कि ये इस बार भी कुछ कर पाएंगे।
और मिचेल मार्श जो है, मिचेल मार्श मुझे वो हैप्पी गो लकी टाइप का लगता है, मतलब उसमें वो सीरियसनेस नहीं है, उसके वो पट्टे टुल्ले चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कुछ नहीं, और वो पता नहीं उसको बॉलिंग भी नहीं देते। दूसरी बात, ये लोग ऐसे स्ट्रेटेजिक एरर्स करते हैं कि मतलब इनके बैटिंग ऑर्डर बहुत ही गड़बड़ रहती है। अब पिछले साल पूरी पूरी टीम खराब खेल रही थी, लेकिन अक्षर पटेल सबसे ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन आपको वो अगर याद हो वो हर मैच में छठे सातवें आठवें नंबर पे बैटिंग करने आता था। वो हम लोग अपने बाल लोचते थे कि ये भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, अक्षर पटेल कहां है, ऊपर से सारे साफ हो गए, लेकिन अक्षर पटेल सातवें आठवें नंबर पे ही आएगा, वो आखिरी में बेचारा लगा रहता था नॉट आउट, जैसा कि इंडियन टीम में भी अक्षर पटेल के साथ यही होता है, उसको आखिरी में भेजते हैं और फिर वो लगा रहता है, फिर वो टेल एंडर से साथ खेलता रहता है। वही दिल्ली कैपिटल्स ने किया उसके साथ कि बस आखिरी में बस टेल एंडर्स बचे, अब वो उस बेचारा इस टेंशन में रहता कि मैं मारूं कि रोकूं, कि मैं पूरे ओवर खेलने जाऊं, कि मैं रन बनाऊं, क्या करूं, क्योंकि अगर आउट हो गया रन बनाने में तो आगे तो फिर टेल एंडर्स ही बचे हैं। तो ये इन लोगों की बड़ी बहुत ही गलत काम किया इन लोगों ने। डेविड वार्नर, मैं डेविड वार्नर को ज्यादा दोष नहीं देता, क्योंकि डेविड वार्नर के पास तो ये परेशानी थी कि टीम में कोई बैटिंग ही नहीं करके दे रहा है, उसके बाद मतलब वो डेविड वार्नर अकेला क्या क्या करे, बॉलिंग में भी उसको बाद में जाके वो ईशान शर्मा को लेके आया है, या पता नहीं वो लेके आया है या टीम के कोचेस लेके आए, गांगुली और पॉन्टिंग, ये दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं बाहर, इनको नहीं समझ में आता कि अक्षर पटेल बहुत पीछे बैटिंग कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन था इन लोगों के। ये देखिए T20 के मैच में, ये मैं नहीं कहता कि अक्षर पटेल ऊपर आके कोई 5-6 मैच जिता देता, लेकिन कम से कम आपकी अप्रोच तो सही होनी चाहिए ना। अब यही हालत है इनकी। उसके बाद प्रेशर सिचुएशंस में तो इनकी बिल्कुल ही दम निकल जाती है, बिल्कुल ही। हमने देखा कि प्रेशर सिचुएशंस में एक तो डिसीजंस गलत लेते हैं, बॉलिंग चेंजेस गलत, टीम सिलेक्शन गलत, बैटिंग ऑर्डर गलत। तो ये इस वजह से मतलब मैं, मुझे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ डेविड वार्नर के लिए। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर के साथ कोई एक दो बैट्समैन अगर अच्छे हो तो ये तो अकेला ही इतने रन बना देगा कि सामने वाली टीमों को मुश्किल हो जाए। T20 में वो लगता ही क्या है जिस तरह से वो खेलता है। तो ये मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि भैया इसके साथ कोई कंसिस्टेंट बैट्समैन तो दो, तो ढंग के रन तो बना सके कम से कम। देखते हैं इस बार मिचेल मार्श क्या करता है, पृथ्वी शॉ क्या करता है। पृथ्वी शॉ तो बिल्कुल ही सीन से बाहर ही है, एकदम बाहर है वो तो आईपीएल के अलावा। उसका तो अभी उसने फर्स्ट क्लास में जरूर कोई डबल ट्रिपल सेंचुरी मारी है, लेकिन अब देखते हैं आईपीएल में क्या करता है वो। अब यही जो प्रॉब्लम इनकी थी तो इसके लिए इन्होंने हैरी ब्रुक को लिया है। अब ये हैरी ब्रुक को लेंगे, इनकी टीम का सिलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, किसको खिलाएंगे, और एनरिक नोकिया अगर फ्री वो फिट है तो फिर वो तो खेलेगा ही खेलेगा, फिर और कौन खेलेगा इनकी टीम में। मिचेल मार्श तो खेलेगा ही खेलेगा, डेविड वार्नर खेलेगा ही खेलेगा, तीन तो ये ओवरसीज हो गए पक्के। इसके बाद आप क्या किसको खिलाओगे, ट्रिस्टन स्टब्स को खिलाओगे या क्या करोगे, क्योंकि आप देखिए बॉलिंग में इनके पास लुंगी एनगीडी भी है, फिर आपके पास जाय रिचर्डसन भी है, लेकिन ये किस किस को खिला पाएंगे, कैसे होगा इनका काम। फिर वही सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पृथ्वी शॉ अगर उसका फॉर्म गड़बड़ हुआ या फिटनेस में कुछ प्रॉब्लम हुई तो इनके पास कोई बैकअप ही नहीं है इंडियन ओपनर, कोई भी इंडियन ओपनर बैटिंग के लिए नहीं है। और उसके बाद अगर मिचेल मार्श को ये ऊपर ले आए मान लीजिए, तो फिर नीचे क्या होगा, नीचे साफ हो जाएगा पत्ता। इनके पास अभी भी मिडिल ऑर्डर में जैसे हैरी ब्रूक, ट्रिस्टन स्टब्स और रिकी भुई, अब मुझे तो नहीं लगता कि ये ट्रिस्टन स्टब्स को खिला पाएंगे ओवरसीज प्लेयर्स की लिमिटेशन की वजह से। रिकी भुई को इनको खिलाना पड़ेगा, तो रिकी भुई को फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा, हैरी ब्रूक को तो परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। स्पिन डिपार्टमेंट में इनके पास वैसे तो अक्षर पटेल है, ललित यादव है, लेकिन अगर बिल्कुल ही एकदम स्पेशलिस्ट टाइप के स्पिनर की अगर बात की जाए तो इनके पास प्रवीण दुबे और ये कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव को परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छा, मुझे लगता है करेगा, क्योंकि वो उसका अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई है तो वो करना चाहिए उसको। लेकिन ललित यादव को भी इनको यूज करना चाहिए, वो एक एज एन ऑलराउंडर वो मुझे तो काफी अच्छा लगता है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो ये बस ये है कि उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं ये लोग। तो कुल मिला के दिल्ली कैपिटल्स की अगर मैं टीम की एनालिसिस को समअप करूं तो
तो मुझे लगता है कि ओवरसीज प्लेयर्स बैट्समैन खासतौर पे इनको बिल्कुल आउट ऑफ द स्किन जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर पृथ्वी शॉ को परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन पृथ्वी शॉ अगर फिट नहीं हुआ या परफॉर्म नहीं कर पाया, आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उसकी वजह से इनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिडिल ऑर्डर के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पिन डिपार्टमेंट तो ठीक है, चलता है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है, लेकिन मेनली T20 जो है वो बैट्समैन का गेम है कि सामने वाली टीम जितने भी बनाए तो आपको उससे एक रन ज्यादा बनाना ही बनाना है, वो बैट्समैन के ऊपर ही आती है जिम्मेदारी। कई बार T20 में अच्छे अच्छे बॉलर्स भी पिट जाते हैं, तो विकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर विकेट ऐसा है तो आप किसी को भी रहने दो तो वो 225 रन बन ही जाते हैं। तो अल्टीमेटली आती है बैटिंग के ऊपर, बैटिंग में आपको रन तो बनाने ही पड़ेंगे, तो रन बनाने के लिए पिछली बार की तरह बैटिंग अगर की इन्होंने तो वो चलने वाला नहीं है। यहां पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी डेविड वार्नर का साथ देने के लिए, बाकी 2-3 बैट्समैन को ऊपर आना पड़ेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। डेविड वार्नर पे तो मुझे भरोसा है वो कुछ ना कुछ करके रन बना ही देगा, लेकिन मिच मार्श, पृथ्वी शॉ, हैरी ब्रूक, इन लोगों को करना पड़ेगा, रिकी बुई, बाकी तो फिर सब ठीक ठाक ही है। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार 9वें नंबर पे तो नहीं आएगी, लेकिन कहां तक जाती है ये देखना पड़ेगा कि अभी इनके प्लेयर्स का फॉर्म क्या रहता है। और ऋषभ पंत को कोई बहुत ज्यादा मैं मार्क्स नहीं देता हूं इसमें आईपीएल, क्योंकि वो उसकी परफॉर्मेंस मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अभी तक उसने कुछ ज्यादा किया नहीं है। वो सेंटिमेंटली हम जरूर खुश हो जाएं, लेकिन बाकी कोई बात नहीं है। तो बताइए आपको क्या लगता है ये एनालिसिस में, क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं या आपका कुछ ओपिनियन डिफरेंट है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार पिछली बार की तरह ही परफॉर्म करेगी या कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकती है? तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।